हेलो फ्रेंड्स, मीनू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ चार स्नैक्स की रेसिपी जो बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इस होली इसे जरूर ट्राई करें, या फिर कभी पार्टी वगैरह में भी आप इसे स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे पनीर बॉल की। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर को ग्रेड कर लिया छोटे वाले ग्रेडर से। आप चाहे तो हाथ से खूब अच्छे से मैश कर ले जिसमें उसमें गुठलियाँ नहीं हो। यहाँ पे हम लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 गाजर, इसे मैंने छोटे वाले ग्रेडर से ग्रेड कर लिया है। 1 शिमला मिर्च, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़ा को ग्रेडर से ग्रेड कर लिया है। 2 हरी मिर्च, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता, हमें ज़्यादा नहीं कुछ मसाला इसमें चाहिए तो उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए थोड़े से चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑरिगैनो, नमक स्वाद अनुसार और मैदा। मैदा हमारे पनीर पे डिपेंड है कि अगर ज़्यादा गीला पनीर होता है तो ज़्यादा लगेगा, अगर कम होता है तो कम लगेगा। ऐसे में कम क्वांटिटी में यूज़ करना है इसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे, पनीर में हम प्याज डाल देंगे, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल लें। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने हरी मिर्ची का यूज़ किया है। अगर आप हरी मिर्ची नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिर्ची डाल लें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हरी मिर्च नहीं खाना पसंद करते। और 1 चम्मच ऑरिगेनो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसे ज़रूर डाल लें। अब हम इसमें डाल देंगे 4 छोटे चम्मच मैदा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दें। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसका बॉल बना के देख लेते हैं कि ये गीला तो नहीं है, बॉल तो अच्छे से बन पा रहा है कि नहीं। ये देखिए इसका बॉल बन गया। अब हमें यहाँ पे मैदा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ये जो मिश्रण है वो अगर गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें। अभी हमारा मिश्रण तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। साइज जो है आप पे डिपेंड है, आप कितना बड़ा छोटा जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐसे करके सारे बॉल बना लें। ये मैंने पनीर के बॉल बना लिए। अब हम इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम जो हमने पनीर बॉल बना के रखा था वो डाल देंगे। थोड़ी देर आप इसे टच ना करें और इसको मीडियम फ्लेम पे ही तले, जिससे कि अंदर तक ये पक जाए। और इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल लेके ऐसे ऐसे डाल दें। अभी एक तरफ से पक गया है, अब इसे पलट लेते हैं। ध्यान से, टूटना नहीं चाहिए ये। इसे हर तरफ से उलट पलट करके हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये जो पनीर बॉल है अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, ये हर तरफ से लाल हो गया है। ये मैंने फ्राई कर लिया। इसी तरह जितने भी पनीर बॉल हैं वो फ्राई कर ले।
तो जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम बहुत ही आसान तरीके से और घर की चीजों से ही बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें तेल नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच के करीब डालना है और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच राई यानी कि ब्लैक वाली सरसों, साथ ही हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच ही अजवाइन। अजवाइन जरूर डालें, इसे स्किप ना करें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। अब इसे थोड़ा सा चटक जाने देते हैं, फिर यहीं पे हम डाल देंगे 1 हरी मिर्ची, यहाँ पे मैंने डाल दिया छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 इंच अदरक टुकड़े को घिस लिया और उसे डाल दिया। अदरक को हम थोड़ी देर भून लेंगे जिससे कि अदरक का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अदरक का कच्चापन खत्म हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं 2 कप पानी। जो है वो आप किसी भी चीज में सेट कर लें, कप कटोरी जो भी लेना है उसी से आप सारी चीजों को मेजर करें। अब इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे पानी में। अब यहीं पे हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है सूखा हुआ धनिया, यहाँ पे आप हरा धनिया डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, नहीं मिलता है तो स्किप कर ले, यहाँ पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इस जगह पे। तो अपनी टेस्ट के हिसाब से और भी अगर मसाले आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसे उबल जाने देंगे, पानी जो है वो उबलने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी, जिस कप से हमने पानी को मेजर किया उसी कप से हमें सूजी लेना है। सूजी मोटी पतली आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सूजी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है जिससे कि सूजी डालने पे गुठलियां ना बने। खूब अच्छे से इसे मिला लेना और तब तक अब हमें इसे पकाना है जब तक कि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब ना कर ले। तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे इसे पकाने में नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, और भी आसान रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो इसे खूब अच्छे से मिलाते हुए कंटिन्यू हमें यहाँ पे चलाना है, नहीं तो सूजी में गुठलियां बन जाएंगी। तो मिक्स करते हुए हमें इसे पकाना है। सूजी देखिए थोड़ी देर में ही पानी जो है अपने अंदर सोख लिया है। सूजी को पकाते हुए 1.5 मिनट हो गए हैं तो हम देखेंगे कि सूजी जो है वो पैन छोड़ने लगा है। तो यहीं पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने उबाल लिया था और उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से मुझे मिक्स करना है इसमें। यहीं पे हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक डाल लेना है। अब नमक सूजी और आलू को हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे आलू अच्छे से सूजी में मिक्स हो जाए और नमक भी। बस अब हमें उतनी ही देर पकाना है और ज्यादा देर हमें नहीं पकाना है इसे, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आलू जो है वो उबला हुआ ही है और सूजी भी अच्छे से पक गया है। तो खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, सूजी आलू और नमक। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देते हैं जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो जो हम नगेट्स बनाएंगे तो उसके ऊपर क्रैक्स आ जाएगा। मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम उसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेके और ऐसे बोर्ड पे इसे रोल रोल कर लेंगे। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल, चौकोर, कटलेट की शेप में, तो ये आप पे डिपेंड है। ऐसे मुझे ये शेप अच्छा लगता है तो मैं यही शेप बनाती हूँ और बहुत ही इजीली बन भी जाता है। तो इस तरह से हमें रोल के शेप पे बना लेना है और इसे अब हम 2-2 उंगली की साइज से कट कर लेंगे और साइड से अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से जिससे कि इसका जो साइड पार्ट है वो प्लेन हो जाए। इस तरह से हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है।
इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी आपके नगेट्स तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हमें सारे नगेट्स बना लेने हैं पहले। ये मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए। अब इसे हम चाहे तो जिप लॉक बैग में डाल के और फ्रिज में रख के एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी खाने का मन करे तो उसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अभी इसे फ्राई करूँगी, तो उसके लिए हम एक सेलरी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, चुटकी भर नमक डालना है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर डालना है और मिक्स करते हुए चले जाना है। लगभग 1/4 कप के करीब यहाँ पे पानी डाल लेना है, जिससे कि इसका एकदम पतला सा घोल तैयार हो जाए। मैं आपको दिखलाती हूँ इसे, ये देखिए इस तरह से रनिंग फ्लो में होना चाहिए। अब जो हमने नगेट्स तैयार करके रखे हैं उसे इसमें डिप करते हुए और कढ़ाई में डाल के छान लेना है हमें। तो उसके लिए मैंने साइड में तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और एक एक नगेट इसमें डाल के और गर्म तेल में डालते हुए चले जाएंगे। इसी तरह जितनी भी नगेट्स इसमें आ सके उतना हम एक बार में डाल लेंगे। ये हमारे कढ़ाई पे भी डिपेंड है कि कितना तेल हम डाल के इसे फ्राई करते हैं। थोड़ी देर इसे टच नहीं करना है, एक तरफ से खूब अच्छे से पक जाने देना है, फिर इसे टच करना है। उसके बाद हल्के हाथों से इसे हम पलट लेंगे। तो या तो आप छोलनी से पलट लें या फिर चम्मच लेके और एक एक करके सारे नगेट्स को पलटे, जिससे कि आसानी से वो पलट भी जाएगा और टूटेगा भी नहीं। ये मैंने सारे नगेट्स को पलट लिए हैं। अब इसे दोनों तरफ से खूब क्रिस्पी लाल होने देना है, जिससे कि अच्छे से वो, अगर लाल नहीं होगा तो फिर कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। तो लाल हो जाने के कारण ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, तो इसे अच्छे से लाल होने देना है। ये सारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं, ये क्रिस्पी लाल भी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे सूजी नगेट्स जो है वो फ्राई कर लेने हैं। तो ये हमारे सूजी नगेट्स बनके तैयार हो गए। आलू चीज बॉल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले आलू थे मेरे पास, तो उसे मैंने उबाल के ले लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छे से या तो आप मैसर से मैश कर ले या फिर ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर ले। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, तो इसे अच्छे से मैश कर लेना है पहले। ये मैंने अच्छे से मैश कर लिया आलू को। अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 1 शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़े से अदरक घिसे हुए, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, 1 चम्मच मिक्स हर्ब। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत डालें, लेकिन इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कटोरी चीज़, ये मैं अमूल का जो क्यूब में कटा हुआ छोटा छोटा चीज़ आता है वो है ग्रेटेड चीज़, तो ये मैं 1/2 इसमें डाल लेती हूँ और 1/2 स्टफिंग के लिए रख लेते हैं। नमक स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल लें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को एक साथ। ये मैंने सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया।
अब एक कटोरी में हम 2 चम्मच मैदा ले लेंगे, भर के लेना है हमें 2 चम्मच। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये जो मैदा का हम बैटर तैयार करेंगे तो वो नमकीन हो जाए, बस उतना ही डालना है हमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेते हैं इसका। ये मैंने मैदे का घोल तैयार कर लिया, ये देखिए ऐसा होना चाहिए। इसी में रहने देते इसे। और यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, हाथों में जरा सा तेल लगा लेंगे। थोड़ा सा इसमें से आलू का जो मिश्रण है वो ले लेंगे हम, जितना बड़ा आप बॉल बनाना चाहें। और जो हमने चीज ले रखी है वो इसमें डाल देंगे बीच में थोड़ा सा। अगर आपके पास बड़ा वाला चीज क्यूब है तो उसको काट ले छोटे छोटे टुकड़ों में और बस इसे बंद कर दे। ये हो गया। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में पहले कोट कर लेंगे। और फिर जो हमने मैदे का बैटर तैयार करके रखा है उसमें इसे गीला कर लेंगे। और फिर से इसे हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ऐसे करके हमें कोट करके और रख लेना है। इसी तरह हमें सारा बना लेना है। ये सारे चीज बॉल मैंने बना लिए। आप इसे चाहे तो फ्रिज में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, तो और ज्यादा क्रिस्पी बनता है ये। अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम तेल ले लेंगे और तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जो है खूब अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें बॉल डाल देंगे और थोड़ी देर हम इसे टच नहीं करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक ही बॉल फ्राई करके लेती हूँ क्योंकि मैंने तेल कम यूज किया है। ऐसे करके ऊपर से डाल ले। अगर आप पूरा डीप फ्राई करेंगे तो फिर ये तेल डालने की आपको जरूरत नहीं है। ये पलट देते हैं, अच्छे हो गया है। अब हम दूसरा डाल लेते हैं। पलट दे इसे। इसी तरह से इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी लाल फ्राई कर लेना है। ये अच्छे से लाल हो गया हर तरफ से। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें जितने भी चीज बॉल बनाने हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। अगली जो रेसिपी है पनीर बोट की रेसिपी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आलू, एक आलू ले लिया, उसको पतले पतले काट लिए हैं जैसे चिप्स कटती है वैसे।
और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे भी हम लंबा लंबा काट लेते हैं। लंबा और मोटा टुकड़ा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का, और ये लंबा भी है और मोटा भी है। अब हम इसके लिए घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्ची जो है आप हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मोटा सा बैटर तैयार करेंगे, बहुत पतला हमें नहीं बनाना है इसका घोल। अच्छे से मिक्स कर दे, लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें जो हमने पनीर के क्यूब्स काटे हैं वो डाल देते हैं। ये टोटल 8 क्यूब है, तो हमें आलू के जो स्लाइसेस हैं वो भी 8 ही चाहिए। अभी से हम साइड कर लेते हैं। अब आलू को हम पानी से निकाल लेते हैं, सारे आलू निकाल लें इसमें से। ये मैंने आलू को निकाल लिया। अब आलू के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेते हैं। पतला सा बैटर होना चाहिए इसका। अब इसमें जो हमने आलू काट के रखा है वो डाल देते हैं और इसमें डुबा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इसे हम 10 मिनट के लिए साइड कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बोट बना लेते हैं आलू और पनीर का। तो उसके लिए एक हम आलू लेंगे और इसमें से एक पनीर का जो हमने क्यूब बना के रखा है वो लेंगे और इसको ऐसे बैंड करके ये टूथपिक से इसको सील कर देंगे। ऐसे ही हमें सभी पहले तैयार कर लेना है। ये टूथपिक से हमें सबको ऐसे ही करके सील करते चले जाना है। पहले हम सभी को पहले तैयार कर लेते हैं। ये सारे पनीर के बोट मैंने तैयार कर लिए। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और थोड़े थोड़े लेके हम बोट को फ्राई कर लेंगे इसमें। गैस को मीडियम करके इसे फ्राई करें जिससे कि आलू जो है वो अच्छे से पक जाए। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं।
हमारी बोट जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। इसी तरह हम सारे बोट को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप ये चारों रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये पार्टी स्टार्टर या फिर होली स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़, अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियो की रीच जो है वो बहुत आगे तक जाए। तो यहाँ पे मैंने ये सारे बोट जो है वो फ्राई कर लिए हैं, तो आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे कि ये थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।